आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन पे हमको एक ग्लोब दे रखा है, ठीक है, जिसकी डायमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो मटेरियल है वो है ग्लास, ठीक है, और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखी है 1.5, ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला है कि एयर रे एंटर्स द ग्लोब पैरेलल टू इट्स एक्सिस, ठीक है, तो ये रे है, ठीक है, तो ये रे जब बाहर निकलती है फाइनली, ठीक है, लेट से ये रे जो है इस एक्सिस को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको इस पॉइंट पी का ये जो ग्लोब है उसके सेंटर से डिस्टेंस निकालना कितना होगा, ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, तो आपको पता है कि ये जो रे है, ठीक है, इसका दो बार हुआ होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ होगा इस इंटरफेस पे जब ये एयर से ग्लास के अंदर घुस रहा होगा, ठीक है, और जो दूसरा रिफ्रैक्शन होगा वो होगा इस इंटरफेस पे, ठीक है, जब ये ग्लास से एयर की तरफ बाहर निकल रहा होगा, ठीक है, तो आइए पहले रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि जो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस पे जो फॉर्मूला लगता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो अगर पहले रिफ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, तो म्यू टू कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू अपॉन वी, ठीक है, और ये म्यू वन कितना हो जाएगा, वन, ठीक है, क्योंकि जो रे है वो एयर से आ रहा है, और यू जो होगा ये क्योंकि ये रे जो पैरेलल है, ठीक है, तो यू को हम यहाँ पे इन्फिनिटी मान लेंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये आ जाएगा ये म्यू टू हो गया फिर से म्यू, ठीक है, म्यू वन हो गया वन अपॉन इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस सरफेस का कितना हो जाएगा, दैट इज सिंपली रेडियस ऑफ दिस ग्लोब, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जो वी की वैल्यू होगी, ठीक है, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, वो कितना आ गया, दैट इज 15 μ/μ-1, ठीक है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू डालोगे 1.5, तो कितना आ जाएगा 15 × 1.5/0.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 45 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो इस रिफ्लेक्शन का जो होगा, जो कि पहला रिफ्लेक्शन है, उस केस में जो इमेज डिस्टेंस होगा दैट इज 45 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम दिस सरफेस, ठीक है, और अब हम इस दूसरे रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सेम फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू लिखें तो कितना आ जाएगा, म्यू टू जो होगा अब कितना हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 1/V, ठीक है, माइनस म्यू वन कितना हो जाएगा कि जो रे है वो ग्लास से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो इसका म्यू वन हो जाएगा 1.5, ठीक है, डिवाइड बाई यू, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू टू हो जाएगा मेरा 1 और म्यू वन हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो कि हो जाएगा सिंपली द रेडियस ऑफ द ग्लोब, ठीक है, और इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, तो हो जाएगा -15, ठीक है। ओके, तो आपको पता है कि जो इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, वो इस सरफेस के रेस्पेक्ट में कितना आया था, दैट इज 45 सेंटीमीटर आया था, ठीक है, और जो ये सरफेस है वो इस सरफेस से कितनी दूरी पे, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में जो इमेज बन रहा होगा वो कहाँ बन रहा होगा, दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 - 30, ठीक है, दैट इज +15 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो यू की वैल्यू हो जाएगी +15 सेंटीमीटर, क्योंकि जो पहले केस में जो इमेज बनेगा दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकेंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो जो पहले केस में जो आई होगी मेरी इमेज डिस्टेंस, ठीक है, तो वो बन जाएगी इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यू की जगह डाल दें 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/V माइनस यह आ जाएगा मेरा 1.5 / 15 = 0.5 / 15, ठीक है, तो वहाँ से जो 1/V की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज ये आ जाएगी मेरी 1/V की वैल्यू या कि मेरी 2/15, ठीक है, यानी कि जो V की वैल्यू होगी दैट इज 15/2, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो फाइनल इमेज बन रही है यानी कि जो ये जो रे है जहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, इस एक्सिस को, वो इस सरफेस से कितनी दूरी पे है, दैट इज 7.5, ठीक है, और हमको निकालना क्या है कि इस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी कितना है, हमको पता है कि ये जो है ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 15, ठीक है, तो जो सिंपली ओपी हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 + 7.5, दैट इज ओपी इक्वल्स टू 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यही हो गई आंसर, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।